मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी एक वर्कशीट है जिसमें आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट में आपको क्या बताना है, काउंटिंग बाय सेवन राइट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी कि आपको सेवन सेवन की काउंटिंग में ये नंबर को आगे बढ़ाना है। जैसे 395 ही नंबर है, 395 से 7 अगर आगे काउंट करेंगे आप तो कौन सा नंबर आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उस नंबर के बाद जैसे कि आप देखिए 397 में 95 में आप 7 ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 7 आपको काउंट करके उससे आगे का नंबर लिखना है। तो आप जब इसमें ऐड करते जाएंगे 7 तो ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसमें 402। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे 402। अब 400 से 7 डिजिट आगे कौन सा नंबर होगा, तो फिर से आप 402 में अब ऐड करेंगे 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। इसी तरीके से सेकंड में देखिए, आप जो ये नंबर दिए हुए हैं इनको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मींस ये जो नंबर दिए हुए हैं, पहले आपको वो नंबर ढूंढना है जो इनमें सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन सा हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा 222। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 222। अब 222 से बड़ा नंबर कौन सा है देखेंगे आप, तो हमारे पास आ गया 248। तो यहाँ पे लिखेंगे 248। अब इनमें से 248 से जो बड़ा है वो आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लिखते जाएंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में। और नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है इनको आप लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले आप इनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, ठीक है, कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 872। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले 872, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। उसके बाद 872 से अब छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है, कि 872 से छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे 567 जो है उससे छोटा नंबर है। अब 567 से छोटा नंबर कौन सा है देखिए, ढूंढिए, तो आपको पता चलेगा कि 333 इससे छोटा है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 333। अब 333 से छोटा कौन सा नंबर है, तो आप देखेंगे 109। फिर 109 लिखेंगे। अब 109 से छोटा नंबर कौन सा है, ये देखिए ये वाला नंबर आप देखें इसमें डिजिट कैसे लिखा हुआ है, 098। तो जब किसी डिजिट के या किसी नंबर के लास्ट में यानी कि लेफ्ट साइड में ज़ीरो होता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे होता 908 तो हम इसको काउंट कर सकते थे, इस ज़ीरो को तब हम काउंट करते, तब हम लिखते 908। या फिर ऐसे होता 809 तो हम इसको काउंट करते, या फिर होता 980 तो भी हम ज़ीरो को काउंट करते। यानी कि अगर बीच में है किसी भी नंबर में, अगर ज़ीरो दो डिजिट के बीच में है या राइट साइड में है तो हम ज़ीरो को काउंट करेंगे, लेकिन अगर वो लेफ़्ट साइड में है और उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो हम उस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको लिखेंगे 98। तो सबसे छोटा कौन सा होगा उसमें, 98। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बेटा हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद सबसे छोटा, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि स्मॉल से बिग की तरफ, ठीक है, स्मॉल से बिग की तरफ। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, बिग से स्मॉल की तरफ, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, ओके। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत इजी हैं, ध्यान से सोच के समझ के कीजिएगा। गुड लक।